आज ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव समूर के लता मंगेशकर कला केंद्र भवन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। वह अपने ऊना जिला के दो दिवसीय प्रवास कार्यक्रम जनसंपर्क से जनसमर्थन अभियान के तहत आज प्रथम दिन समूर में पहुंचे। वहीं उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी रणनीति बनाई। वहीं उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ की मजबूती के टिप्स दिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने ग्राम से सरपंच तक व बूथ से लेकर हर कार्यकर्ता तक अपनी बात रखने के लिए एक महीने का लगातार संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत हर गांव हर व्यक्ति से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग जी, भाजपा का लगातार जनसंपर्क से जनसमर्थन अभियान चल रहा है, किस तरह से जनसमर्थन जो है वो लोगों का मिल रहा है? 9 वर्षों की पहचान, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। मोदी जी ने प्रधान सेवक बन के 140 करोड़ देशवासियों की जहां एक और सेवा की है, अपनी ईमानदारी से, अपने सुशासन से देश को आगे बढ़ाने का जहां काम किया है, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए, वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं की भरमार लगाई है, तभी तो 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल पाए। लगभग 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर देना, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन देना और 12 करोड़ परिवारों को नल से जल देना, 12 करोड़ शौचालय बनाकर देना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना, 80 करोड़ गरीबों को अनाज एक नहीं 2.5 साल पूरे मुफ्त में दिए, और वहीं पर देश में जो विकास की गाथा है, सड़कें हो, हाईवे हो, रेल हो, अन्य योजना हो, वो भी रिकॉर्ड किया, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई मोदी सरकार ने 9 वर्षों में किया। अनुराग जी, कांग्रेस ने जो है वो आरोप लगाया है कि भाजपा इस तरह के जितने मर्जी अभियान चला ले, 3 चुनावों में हार जो है वो भाजपा को मिली है और 4th लोकसभा चुनावों में भी हार देखनी पड़ेगी। पिछले लोकसभा में कांग्रेस चारों की चारों सीटें हारी, उससे पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस चारों की चारों सीटें हारी, और अब की बार 2024 में भी कांग्रेस चारों की चारों सीटें हारेगी, चारों पे कमल खिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ऊना से लखबीर सिंह की रिपोर्ट।